हज़रत रुकिया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी शादी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। हुज़ूर ने जल्द ही अपनी बेटी रुकिया का निकाह इनके साथ कर दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से हुज़ूर की चार बेटियाँ हुई, ठीक है। उन चार बेटियों में नाम लिखा गया रुकिया का भी है, ज़ैनब, उम्मे कुलसुम और फातिमा। आप याद कर लीजिए, कोई शैतान वसवसा ना डाल दे। तहज़ीबुल अहकाम अश-शेख तूसी जिल्द इसकी तीसरी सफा इसका 120, वहां एक दुरूद लिखा हुआ है, अल्लाहुम्म सल्ले अला रुकिया इब्नते नबीक, अल्लाहुम्म सल्ले अला उम्मे कुलसुम बिनते नबीक। ए अल्लाह पाक दुरूद भेज तेरे नबी की बेटी रुकिया पर, ए अल्लाह दुरूद भेज तेरे नबी की बेटी उम्मे कुलसुम पर। तो अब आपको कोई भी सबाई यह ना कहे कि नबी की सिर्फ एक बेटी थी। तो मैंने अहले तशय्यु की सबसे टॉप की किताब, शायद वो और किसी किताब को माने ना माने, इसको जरूर मानेंगे। रुकिया की शादी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से हुई और ये हुजूर की बेटी हैं। अब इसके अलावा जो कोई कुछ कहेगा वो शैतान के सहर में है, जादू में। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर गए, आपने हुजूर के बालों में कंघा किया। हुजूर ने पूछा तुमने उस्मान को कैसा पाया? तो तबरानी के अल्फाज हैं, अर्ज की बेहतरीन इंसान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी इज्जत बजा लाती रहो, बेशक सहाबा में सबसे ज्यादा आदात में मेरे मुशाबे वो हैं।